हेलो स्टूडेंट, माइसेल्फ अनिल कुमार कनेरा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट न्यूक्लियस करियर पॉइंट चौमू। आज हम 11th क्लास के फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, वैसे ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिनको हमें बाद में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन का हम जो कंसेप्ट है उस टॉपिक का, वो कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे, बट जो लास्ट में जो आंसर आने वाला है उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको कंसेप्ट जो है वो पढ़ने हमें, छोटे छोटे कंसेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट, जैसे देखो आपने 10th तक की मैथ पढ़ी थी, उसमें आपने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ऐसे वहाँ पे वो बेसिक कंसेप्ट थे आपको 10th तक की जो मैथ थी उसे पढ़ने के लिए, वो बेसिक कंसेप्ट थे सॉल्व करने के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़, गुणा, बाकी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट है जिन्हें हम आगे यूज़ करने वाले हैं, जैसे इनइक्वलिटी। सबसे पहला है इनइक्वलिटी, हम बात करेंगे इनइक्वलिटी की, असमीकाएँ की, ठीक है बेटा। तो जो पहला आपका, मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ इनइक्वलिटी असमीका। इन इनइक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, होती क्या है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इनइक्वलिटी और असमीका, ठीक है बेटा। देखो इनइक्वलिटी और असमीका की अगर हम बात करेंगे तो असमीका क्या होगी बेटा, आपने इक्वेशन पढ़ी है, समीकरण पढ़ी है आपने। समीकरण में क्या होता है बेटा, समीकरण होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये क्या है बेटा, एक समीकरण है, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ पे जो साइन आ रहा है, इस साइन को क्या बोलते हैं, बराबर का चिन्ह या फिर इक्वल, ठीक है ना। ये जो साइन है इसे अगर आपने जो इनइक्वलिटी सॉल्व किया उसमें क्या करते हैं, सिंपल हम 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 माइनस 3, और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2, और x इक्वल टू कितना आएगा 1। बात क्लियर हो रही है मेरी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 1। ये क्या था बेटा आपके पास में, सिंपल था, ठीक है, सिंपल यहाँ पे इक्वेशन थी, समीकरण था। और ये जो समीकरण है, इस समीकरण में, ये जो समीकरण है आपकी, इस समीकरण में हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, एक चर राशि में समीकरण। क्या है बेटा, एक चर राशि में समीकरण। 10th क्लास में आपने दो चर राशि में भी समीकरण पढ़े थे, हम यहाँ पे एक चर राशि में समीकरण की बात कर रहे हैं। या अगर मैं यहाँ पे, अगर ये जो आपके पास में इक्वल वाला साइन है, इस इक्वल वाले साइन को, ये जो इक्वल वाला साइन है, इस इक्वल वाले साइन को मैं चार चिन्हों में से किसी भी एक चिन्ह से, चार चिन्ह कौन कौन से, ये वाला चिन्ह, ठीक है, इन चार चिन्हों में से मैं किसी भी एक चिन्ह से, एक साइन से रिप्लेस कर देता हूँ, तो रिप्लेस करने के बाद में जो व्यंजक बनेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इनइक्वलिटी और असमीकाएँ। क्या होगा बेटा, जैसे 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 5, 2x प्लस 3 लेस देन 5, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5। मैंने क्या कहा था, इसमें से इक्वल साइन को इनमें से किसी भी एक साइन से रिप्लेस, हटाने से जो भी आपके पास में व्यंजक आएगा वो क्या होंगी बेटा, असमीकाएँ होंगी। बात क्लियर हो रही है मेरी, क्या होगी वो बेटा, असमीकाएँ। ये जो असमीकाएँ हैं, इन असमीकाओं को हमें क्या करना है, हल करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, यहाँ पे ये जो चार चिन्ह है, इन चार चिन्ह का मतलब क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूँ x लेस देन y, इसका मतलब है x छोटा है y से, ठीक है, x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से, x लेस देन इक्वल टू y, इसका मीन्स क्या है, x छोटा और बराबर है y के, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसका मीन्स है x बड़ा है और बराबर है y के। यहाँ पे ये जो चिन्ह है इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो ये वाला या बराबर वाला, इसका मीन्स क्या है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, एक बार में एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे ये वाला या फिर ये वाला, ये या ये, यहाँ पे इन दोनों में से एक कंडीशन एक बार में सेटिस्फाई होगी। बात क्लियर हो रही है। अगर हम ये जो आपके पास में समीकरण आ रही है, इस समीकरण में इक्वल साइन को अगर मैं इनमें से किसी भी एक साइन से रिप्लेस करता हूँ, तो नया व्यंजक जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कह रहे हैं बेटा, असमीका। और असमीका को हमें क्या करना है, हल करना है, ठीक है। ये असमीका हमें क्या करना है, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर कंसेप्ट तो अप्लाई कर लेते हैं, बट कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद में क्या होगा, लास्ट में हमें कुछ ये असमीका हल करनी होती है, हमारा जो क्वेश्चन है वो असमीका में परिवर्तित हो जाता है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले। बात क्लियर बेटा यहाँ तक, असमीका क्या होती, सबको क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा,
असमीकरणों को हल करने के लिए हम बेसिक दो रूल का यूज करते हैं, दो नियमों का उपयोग करते हैं। नियम नंबर पहला, नियम नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट रूल है, वो क्या है? असमीकरण के दोनों पक्षों में, पहला है, असमीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है, समान संख्या घटाई जा सकती है। पहला क्या है रूल नंबर वन, असमीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है और समान संख्या घटाई जा सकती है। बात समझ में आ रही मेरी बेटा? देखो कैसे आपके कोई भी असमीकरण है, जैसे मैं ये कहता हूँ थ्री इज ग्रेटर देन वन। क्या बेटा? थ्री इज ग्रेटर देन वन, तीन बड़ा है एक से, ठीक है। एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है। रूल नंबर वन क्या है मेरा? असमीकरण के दोनों पक्षों में एक पक्षीय है, दोनों पक्षों में समान संख्याएं घटाई जा सकती है और समान संख्याएं जोड़ी जा सकती है, ठीक है। अगर हम इन दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3+2 is greater than 1+2। मैंने दोनों पक्षों में दो दो को ऐड किया है, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या था, 3 बड़ा था एक से। क्या है बेटा? यहाँ पे 3 बड़ा था एक से। अगर मैंने समान संख्या दोनों पक्षों में जोड़ दी है तब भी हमारा क्या हुआ? इधर ये चिन्ह आपका सेम आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई है? अगर हम किसी असमीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ते हैं, समान संख्या घटाते हैं, तो उस असमीकरण का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है, मतलब समान रहता है, ठीक है। इसमें अगर हमें और बात करनी तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव संख्या से धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं, धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो भी समान रहता है, धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो भी समान रहता है, ठीक है बेटा। अच्छा, और रूल नंबर टू, इसका जो सेकंड नंबर है, रूल नंबर टू क्या कहता है? यदि किसी असमीकरण को माइनस चिन्ह से गुणा किया जाए तो उस असमीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। रूल नंबर टू क्या है? यदि किसी असमीकरण को माइनस चिन्ह से गुणा किया जाए तो उस असमीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मैं इसी की बात करता हूँ, 3 बड़ा है एक से। अगर मैं -2 से गुणा कर देता हूँ तो 3 × -2 1 × -2 क्या आएगा? -6 -2। बेटा इनमें बड़ा कौन सा है? बड़ा है -2। तो हमारा चिन्ह पहले इधर की साइड था, मतलब 3 बड़ा था एक से, परंतु अभी हमें -6 और -2 में से कौन सी संख्या बड़ी लग रही है? -2। तो ये चिन्ह पहले ऐसा था और ये चिन्ह पहले अब ये आ गया। बात समझ में आ रही है? तो रूल नंबर टू क्या है? यदि किसी असमीकरण को माइनस चिन्ह से गुणा किया जाए तो उस असमीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, पहला रूल नंबर क्या था? असमीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर, रूल नंबर क्या था फर्स्ट, किसी असमीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर, समान संख्या घटाने पर असमीकरण का चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। रूल नंबर टू क्या था बेटा? रूल नंबर टू था माइनस से मल्टीप्लाई करने से असमीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। बात क्लियर? ठीक है बेटा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, अगर हम धनात्मक चिन्ह से गुणा करेंगे, धनात्मक चिन्ह वाली संख्या से गुणा करेंगे या फिर धनात्मक चिन्ह वाली से भाग देंगे तो क्या रहता है ये बेटा? बराबर रहता है। बात क्लियर हुई मेरी? ठीक है बेटा, या तो कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है बेटा, हाँ बेटा देखो, हम जो असमीकरण के रूल देखे थे उन रूल के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल है आपका 2x+4 is greater than 7। क्या बेटा? 2x+4 is greater than 7। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x याद करना है यहाँ पे। तो हम जो रूल मैंने आपको बताए थे उन रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। मैं आपको पहले बेसिक बताऊँगा, बाद में हमें देखो और आगे हमें इसे डायरेक्ट सॉल्व करना सीखेंगे। देखो रूल के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास में x कहाँ है? ये रहा। तो यहाँ इस x को
याद करने के लिए मुझे ये 4 हटाना होगा सबसे पहले और ये 2 हटाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों रूलों को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मुझे पहले 4 हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर की साइड -4 कर देता हूँ, ठीक है। तो -4 करने पर क्या होगा बेटा, 2x + 4 -4 इज ग्रेटर देन 7 -4 क्या हो जाएगा, 2x + 4 -4 इज ग्रेटर देन 7 -4 क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन 4 से 4 कैंसिल, 7 -4 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3। अच्छा आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए क्या करें, मैं दोनों साइड क्या करता हूँ बेटा 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल, x किससे बड़ा हो जाएगा 3y 2 से, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया, x बड़ा है किससे 3y 2 से। बात समझ में आ रही है मेरी, देखो क्या था, 2x + 4 था, मैंने दोनों साइड -4 किया, 7 - 4 था, इधर कितना आ गया 3y 2 आ गया। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है x बड़ा है 3/2 से, क्या आ रहा है, x बड़ा है 3/2 से, ठीक है। अच्छा अब ये अगर हम इसमें देखें कि x का मान जो है वो 3/2 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, x का मान 3/2 से बड़ा आ रहा है। तो x का मान जो 3/2 से बड़ा आ रहा है, इसको अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, आपको पता है बेटा ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा के बारे में आप जानते हो, ये संख्या रेखा है जिस पर -अनंत से +अनंत तक की सारी संख्या स्थित होती है। ये क्या है, संख्या रेखा है जिसमें -अनंत से +अनंत की सारी संख्या है, इधर संख्या होंगी धनात्मक और इधर संख्या होंगी ऋणात्मक। आपको पता है आपका आंसर जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इधर कहीं पे 3/2 होगा और 3/2 से बड़ी वाली संख्या, मतलब इधर वाली संख्या सारी आंसर होंगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में आ रहा है x का मान जो है, x का मान है वो 3/2 से बड़ा है, 3/2 नहीं है, 3/2 से बड़ा है। तो 3/2 से बड़ी संख्या इधर की सारी संख्या होंगी। बात समझ में आ रही है मेरी, मैंने क्या कहा x का मान 3/2 से बड़ा है, 3/2 से बड़ा का मतलब 3/2 ये है और इससे बड़ी वाली संख्या प्लस अनंत तक की साइड की सारी संख्या होंगी, ठीक है बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगला एग्जांपल है आपका, देखो आपके पास में है 4x + 3 इज ग्रेटर देन 1y 2, ठीक है। क्या है, 4x + 3 इज ग्रेटर देन 1y 2, वही सेम आपको x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, पहले इस 3 को रिमूव करना है। तो 3 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले -3 करूँगा दोनों साइड। तो -3 करने पर 4x + 3 -3 1y 2 -3 क्या आ जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन -3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, एलसीएम लोगे -6 1 - 6 अपॉन 2 मतलब -5/2 क्या आएगा बेटा, -5/2। यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 हटाना है तो 4 से विभाजित करोगे क्या हो जाएगा बेटा, ये डिवाइडेड बाय 4, ये रिमेनिंग रहेगा x बड़ा है -5/8 से, 4 से गुणा हो गया, क्या हो गया 8। यहाँ पे x का मान जो है वो -5/8 से क्या आ रहा है बेटा, बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, -5/8 से बड़ा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये संख्या रेखा -अनंत से +अनंत, यहाँ पे 0 -5/8 इधर की साइड होगा, इसका जो मान है वो क्या होगा बेटा, -5/8 से बड़ा होगा, क्या होगा, -5/8 से बड़ा। बात समझ में आई, ये तो मैंने क्या किया बेटा, दोनों रूल जो है उन दोनों रूल का यूज करके, दोनों नियमों का उपयोग करके मैंने ये SME का सॉल्व कर रहा हूँ। जो हमारे पास में जो रूल थे, जो नियम थे, उनका उपयोग करके हम इन SME काओं को हल कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, हाँ बेटा देखो, हमने SME का के जो दो रूल पढ़े, उन रूल के अकॉर्डिंग हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया था। परंतु अब ये बताओ, अगर आपके पास में समीकरण है,
अगर आपके पास में समीकरण है, ये आ गया 5 और x का मान यहाँ से क्या आ गया, इसे सॉल्व करने के बाद में 3 इधर गया, 2 बचा, x इक्वल टू 1 आया। बेटा यहाँ पे x का मान एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, x का मान 1 आ रहा है, तो यहाँ पे x बराबर 1। हमसे अगर इसका आंसर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। ठीक है बेटा, ए समीका में क्या था, ए समीका में ऐसे मान आ जाते हैं, x बड़ा है 1 से, x छोटा है 1 से, x बड़ा है बराबर है 1 के, x छोटा है बराबर 1 के, इस टाइप के आंसर आते हैं समीका में। हमने अभी दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें आपके पास में इस टाइप का आंसर आया था, x बड़ा है 1 से, x छोटा है 1 से, x बड़ा है बराबर है 1 से, x छोटा है बराबर 1 से। अगर आपसे ये पूछा जाए तो हम कि इसका आंसर क्या, हम क्या कहेंगे, 1। क्या है आंसर इसका, 1। अगर हमसे इससे पूछा जाए इसका आंसर क्या है, ऐसा आंसर आता, हम कहेंगे x का मान 1 से बड़ा। क्या होगा बेटा, x का मान 1 से बड़ा, x का मान 1 से छोटा। यहाँ से पूछेंगे तो x बड़ा या बराबर है 1 के, x का मान या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। बेटा यहाँ पे जो हमने ये आंसर निकला है सॉल्व करने के बाद में ये आ गया, हम इसका जो आंसर लिखेंगे, हम जो आंसर लिखेंगे वो आंसर लिखने का इसका एक तरीका होता है, और उस तरीका हम उसको बोलते हैं अंतराल। क्या बोलते हैं इसका आंसर, इसका आंसर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण है, डायरेक्ट आंसर आ गया 1। परंतु ये जो असमीकाएं होती है, उन असमीकाओं के जो उत्तर आते हैं, आंसर आते हैं, उन्हें हम एक दूसरे रूप में व्यक्त करते हैं, और उस रूप को हम बोलते हैं अंतराल और इंटरवल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा उसे, अंतराल और इंटरवल। हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, वो हमारे पास में है बेटा इंटरवल और अंतराल। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ मैं, मैंने क्या कहा, ये जो असमीकाएं बनी हुई है, इस असमीकाओं का आंसर या फिर इनके उत्तर को व्यक्त करने के लिए हम एक नया तरीका यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंतराल और इंटरवल। ठीक है बेटा, इस अंतराल और इंटरवल को असमीकाओं के अनुसार अलग अलग रूप में डिवाइड किया हुआ है। असमीकाओं के अनुसार, असमीकाएं जो है बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे अलग अलग फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग रूप में व्यक्त किया हुआ है, जिसमें हम पहले ही जो आपका अंतराल है उसे बात करेंगे, खुला अंतराल। क्या है बेटा पहला, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। क्या है बेटा, खुला अंतराल, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे ओपन इंटरवल। ठीक है बेटा, ये जो खुला अंतराल होता है उसका मीन्स क्या होता है, इस टाइप का होता है, x छोटा है b से और बड़ा है a से। यहाँ पे इस टाइप की असमीका आता है, इसका मतलब क्या हुआ, x छोटा है b से और बड़ा है a से। x यहाँ पे पहले x देखेंगे, x छोटा है b से और x बड़ा है a से, हम क्या कहेंगे, x छोटा है b से, बड़ा है a से। अच्छा बेटा देखो, ये आपके पास में संख्या रेखा हो गई, यहाँ पे ये हो गया आपके पास में a और ये हो गया आपके पास में b। क्या हो गया बेटा, ये हो गया a और ये हो गया b। यहाँ पे जो x है, ये जो x है उसका मान क्या आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से क्या होगा, x का मान एक तो b से छोटा हो गया, b से छोटा, और क्या हो गया, a से बड़ा। मतलब x का मान b से छोटा इधर की साइड आ गया और a से बड़ा इधर की साइड, मतलब x का मान a और b के बीच में लाई कर रहा है, a और b के बीच में स्थित है। यहाँ से देखो, x का मान b से छोटा और a से बड़ा। बात समझ में आ रही है मेरे बेटा। देखो दूसरी बात इसमें क्या याद रखना, x का मान b से छोटा ही है, उसके बराबर नहीं है। x का मान b से छोटा है, उसके बराबर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, b पे ये एक ब्रेड टाइप का बनाया है, जो मैंने खाली रखा है, यहाँ पे भी एक ब्रेड टाइप का बनाया है, यहाँ पे भी खाली रखा है। इसका मतलब क्या है कि x का मान जो है वो a और b के बीच में स्थित है। क्या है बेटा, x का मान a और b के बीच में स्थित है, a और b नहीं है। x का मान a और b के बीच में स्थित है, a और b नहीं है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो ये होता है, हम इस टाइप से लिखते हैं इसे, x का मान b से छोटा, a से बड़ा, और इसे अंतराल जब इसका लिखेंगे तो इसे क्या करेंगे, खुला अंतराल यूज करते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट जो होता है आपका उसका यूज करते हैं। पहले क्या करोगे आप, पहले मैंने a लिखा छोटी वाली संख्या इसके बीच में, फिर लिखा मैंने b, दोनों के बीच में क्या लगाया, कॉमा, ये वाला मैंने आपका मान रखा, ठीक है। x a कॉमा b, हमारे पास में x का मान है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह जो होता है उसे बोलते हैं belongs to, संबंध रखता है। क्या बोलते हैं बेटा, belongs to, संबंध रखता है,
संबंध रखता है, ठीक है बेटा। क्या होगा, x belongs to a comma b, और ये कौन सा है, खुला अंतराल है। खुला अंतराल में क्या होता है बेटा, जो अंतिम संख्याएं हैं, जो ये a और b है, ये x के मान नहीं होंगी, परंतु a और b के बीच में जो भी आपके पास में वैल्यू है वो सारी इसके आंसर होंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखूं, x छोटा है 5 से और बड़ा है 3 से, तो इसका मीन्स क्या होगा, 3 पहले छोटा फिर बड़ा, ये 3 और 5 दोनों पे मैंने सर्कल किया, x का मान जो है 3 और 5 के बीच में स्थित है, 5 से छोटा और 3 से बड़ा, ठीक है बेटा। अच्छा, x का जो मान है हम क्या लिखेंगे, पहले 3 आएगा और 3 और 5 के बीच में कॉमा, दोनों पे क्या आएगा, खुला अंतराल रहेगा, क्या रहेगा बेटा, खुला अंतराल, क्योंकि अंतिम यहाँ पे देखो इस टाइप का रहेगा, तो क्या आएगा आपके पास में, दोनों के बीच में, दोनों जो अंतिम अंक है 3 और 5, ये इसके आंसर नहीं होंगे। क्या, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह, क्या बोलते हैं, इसे बिलोंग्स टू संबंध रखता है, एक्स का संबंध कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 5 के बीच की सभी संख्याओं से, ठीक है। जबकि एक्स का मान 3 और 5 नहीं हो सकता, 3 और 5 के बीच की जितनी संख्या है वो सब x के मान होंगे, परंतु 3 और 5 x के मान नहीं होंगे, बात क्लियर है। और देखो, अगर x का मान लेस देन -3, लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -6 हो, तो क्या करेंगे बेटा, इधर -6 -3 क्या होगा, -6 और -3 तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये वाला चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान इनके बीच में, तो हम क्या करेंगे, x ये वाला चिन्ह खुला अंतराल लगाएंगे, -6 और -3 के बीच में क्या आएगा बेटा, कॉमा आएगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, -6 से -3 के बीच में जितनी संख्या है वो सब किसके आंसर होंगे बेटा, आपके x के, परंतु -6 और -3 x के आंसर नहीं हुए, अंतिम संख्या x का मान नहीं होती है। यहाँ तक ये हमारा पहला जो था अंतराल का पहला जो रूप था, खुला अंतराल, उसका एग्जाम, उसका केस हो गया। क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट लगाने के बाद में हमारे पास में जो संख्या आएंगी उन दोनों के बीच में क्या करेंगे बेटा, हमें कॉमा से सेपरेट करेंगे, और ये वाला चिन्ह लगाते हैं, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, संबंध रखता है, ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा आता है बेटा, सेकंड आता है आपके पास में बंद अंतराल, अगला कौन सा बेटा, बंद अंतराल, देखो बेटा नेक्स्ट आएगा आपके पास में बंद अंतराल, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल, ठीक है। ये कैसा होता है, एक्स छोटा है और बराबर है बी के, और बड़ा है और बराबर है ए से, ठीक है बेटा, एक्स छोटा बराबर बी के और बड़ा बराबर ए के, ये जो इस टाइप का होता है उसे बोलते हैं बंद अंतराल। इसे कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे पहले छोटी संख्या ए, फिर आएगा बेटा बी, यहाँ पे उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें इस टाइप का आ रहा था, एक्स छोटा है बी से, बड़ा है ए से, इस टाइप का आ रहा था, यहाँ पे इक्वल के साइन नहीं थे, इसीलिए मैं क्या कह रहा था, एक्स का मान ए और बी नहीं है, बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा था आपसे, x का मान a और b नहीं है, क्यों नहीं था, क्योंकि वह बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अंतिम जो संख्याएं हैं a और b, अंतिम जो संख्याएं हैं a और b वो इसके मान होंगे, मतलब b भी इसका मान होगा, ठीक है बेटा, और a भी इसका मान होगा, बात समझ में, और इसके साथ साथ जो a और b के बीच की संख्याएं होंगी वो सभी इसके मान होंगे। x का मान क्या है, x का मान होगा, x का मान b या b के b से छोटी संख्या है, तथा a या a से बड़ी संख्या है, मतलब इसमें दोनों चीज़ें आ गई, एक तो ax ये वाला केस आ गया, x का मान यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं इस वाले में, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है ना, इसमें अगर बात करूँ तो इसमें क्या था, सिर्फ a और b के बीच वाली संख्या आ रही थी आंसर, परंतु यहाँ पे क्या है, a और b के बीच के साथ साथ अंतिम जो है a और b वो भी इसका आंसर होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये सर्कल डार्क किया है, वहां पे क्या था, खुला रखा था ना इस टाइप से, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डार्क किया है, बात क्लियर हो रही है मेरी, तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान a और b के साथ साथ अंतिम a और b भी होंगे, तो x का मान इसे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे अंतराल रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है बेटा, बड़े वाले ब्रैकेट का, स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है उसका यूज करना है, पहले हमने छोटे वाले ब्रैकेट का यूज किया था, वही सेम पहले मैं लिखूंगा a,
फिर भी दोनों के बीच में कॉमा, और यहाँ पे छोटे वाले की जगह क्या लगाऊंगा मैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाऊंगा। समझ में आ रहा है बेटा, कौन सा लगाऊंगा, बड़ा वाला ब्रैकेट। और यहाँ पे ये एक्स तो सेम आएगा, और ये वाला चिन्ह बिलोंग्स टू का जो चिन्ह है वो सेम आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। इसका मीन्स है एक्स का मान ए और बी के बीच वाली संख्याओं, एक्स का मान ए और बी के बीच वाली संख्याओं के साथ साथ ए और बी भी होगा। बात समझ में आई, एक्स का मान ए और बी के बीच वाली संख्याओं के साथ साथ अंतिम संख्या ए और बी भी इसका मान होंगे। एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूँ एक्स छोटा है 5 से और बड़ा है -4 से, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ये -4 होगा कहीं पे, यहाँ पे 5 होगा। ये मैंने यहाँ पे डार्क किया क्योंकि अंतिम भी होंगे बराबर के चिन्ह आ रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, ये बंद अंतराल आएगा क्योंकि दोनों पे इक्वल आ रहा है, -4 फिर कॉमा फिर क्या आएगा 5, क्या हो जाएगा x का मान -4 से 5 तक। x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, -4 से 5 तक। बात समझ में आई मेरी, ठीक है बेटा। ये आपका, और देख लो एक और, x छोटा है 0 से और बड़ा है -4 से, तो इसका मीन्स क्या होगा, -4 इधर 0 इधर, यहाँ पे भी आएगा और इधर भी, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, -4 से और 0 तक, दोनों तरफ इक्वल है तो मैंने दोनों तरफ क्या लगाया बेटा, यहाँ पे बंद अंतराल। बात क्लियर, पहला वाला जो था खुला अंतराल, तो पहले वाला था खुला अंतराल, उसमें क्या था, अंतिम बिंदु उस x के मान नहीं हो रहे थे, परंतु उन दोनों संख्याओं के बीच वाली संख्या सभी x के मान हो रही थी। यहाँ पे क्या है, अंतिम बिंदु भी इसके मान हो रहे हैं, बीच वाली संख्याएं तो है परंतु उसके साथ साथ जो अंतिम बिंदु है वो भी x के मान हो रहे हैं, और जो खुला अंतराल है उसमें हम छोटे वाले ब्रैकेट का यूज करते हैं, और बंद अंतराल में हम बड़े वाले ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जिसे बोलते हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है। एक चिन्ह यूज करते हैं जिसे हम बिलोंग्स टू संबंध रखता है बोलते हैं। बात क्लियर हुई बेटा मेरी यहाँ तक, ठीक है। हाँ बेटा देखो, हमने दो अंतराल के दो रूप पढ़ ले, हमारे पास में तीसरा रूप आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज, अर्ध खुला अर्ध बंद, ठीक है ना। कौन सा बेटा, अर्ध खुला अर्ध बंद, ठीक है ना, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। अच्छा इसमें क्या होगा, देखो आधा खुला हुआ होगा आधा बंद होगा, मींस आपके पास में किस टाइप होगा, एक्स छोटा है बी से, बड़ा है बराबर है ए के, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है एक्स छोटा है बराबर है बी के और बड़ा है ए के। क्या हो गया, यहाँ से कौन सा आ रहा है, बंद अंतराल आ रहा है, इधर कौन सा आ रहा है खुला, यहाँ पे कौन सा आ रहा है बंद आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है खुला। खुला और बंद का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे ये एक्स का मान ए हो सकता है परंतु यहाँ पे एक्स का मान बी नहीं हो सकता है, यहाँ पे एक्स का मान बी हो सकता है परंतु एक्स का मान ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बेटा बी, तो एक्स का जो मान है वो बी नहीं हो सकता, और जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या करेंगे, डार्क सर्कल, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। या फिर अगर इसकी बात करूँ तो क्या होगा, ये ए हो गया, ये हो गया बी, यहाँ पे ये आपके पास में बी के बराबर है, तो मैंने क्या किया, डार्क सर्कल यहाँ पे क्या रखा है, ओपन सर्कल, ठीक है बेटा। इसमें क्या है, बात समझ आ रही है, एक तरफ से आधा खुला हुआ आधा बंद, सिंपल सी बात ये है, आधा खुला हुआ आधा बंद, मतलब एक तरफ बराबर का चिन्ह आएगा और एक तरफ नहीं आएगा, बस ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लगाया बराबर, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ नहीं लगाया, इसका मीन्स क्या होगा, एक्स का मान बी से छोटा, एक्स का मान बी से छोटा और ए से बड़ा परंतु ए के बराबर भी, ठीक है, एक एक्स का मान बी से छोटा, ए से बड़ा और ए के बराबर भी, परंतु यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स का मान ओनली बी से छोटा है, एक्स का मान बी के बराबर नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या है, एक्स का मान बी से छोटा साथ साथ में एक्स का मान बी भी है, और यहाँ पे एक्स का मान ए से बड़ा, ठीक है। इसको अगर हम अंतराल में लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखो बी पे क्या आने वाला है, खुला अंतराल, और यहाँ पे क्या आने वाला है, बंद अंतराल। खुले अंतराल में क्या होता है, छोटा ब्रैकेट, बंद में क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट। तो x का मान क्या करेंगे, पहले a b दोनों संख्या है, दोनों के बीच में कॉमन, यहाँ पे आपके पास में खुला है तो क्या लगाएंगे, छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे आपके पास में बड़ा है तो क्या लगाएंगे, बंद ब्रैकेट। यहाँ पे x का ये वाला साइन यूज करते हैं, ये वाला साइन मैंने अभी बताया था क्या था, बिलोंग्स टू संबंध रखता है। यहाँ पे x का मान
यहाँ पे क्या आएगा खुला, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है आपको बात ना ओपन सर्कल, तो ए और यहाँ पे क्या होगा बी, ये क्या हो जाएगा बंद, ठीक है। अर्ध खुला और अर्ध बंद, बात समझ में आ रही है मेरी बेटा, ठीक है। ये क्या होगा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम कभी कभी एक चीज़ और यूज करते हैं बेटा, वो क्या है हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। सब ये तो क्या था बेटा, जब आपके पास में संख्या है, जब हमारे पास में आंसर क्या है दो संख्याओं के बीच में, जैसे 5 से और 7 के बीच वाली संख्या आ जाए आंसर, ठीक है। एक्स का मान 2 से बड़ा आ जाए, 3 से छोटा, तो 2 से और 3 के बीच वाली सारी संख्या है। अगर हम सारी संख्या वैसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि अनंत संख्या होंगी 2 से और 3 के बीच में, परंतु हमें उसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, अंतराल रूप में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए कि x की कुछ ही वैल्यू है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये आपके x के मान है, x का मान 1, 2, 3, 4 आंसर है, तो इन आंसर को हम एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं जो हम इस टाइप से लिखते हैं 1, 2, 3, 4। ये कौन सा कोष्टक है बेटा, मजला कोष्टक, करली ब्रैकेट, ठीक है। इस टाइप से लिखते हैं, इसे हम बोलते हैं समुच्चय भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x का मान 1 हो सकता है, x का मान 2, x का मान 3, x का मान 4। जब आपके पास में नंबर ऑफ आंसर और या फिर x की वैल्यू फिक्स हो कि इतनी वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 4 वैल्यू है। जैसे और एग्जाम्पल होता हूँ, x बराबर 3, 5, 7, 10, ये है x की वैल्यू, एग्जैक्टली 4 वैल्यू है जो हमें पता है, 3 है, 5, 7, 10 है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं उसे। और यदि कुछ ऐसा आता कि x का मान 10 से और 9 से 10 के बीच में, यहाँ पे क्या है 9 से और 10 के बीच की सारी संख्याएं हैं, इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है x के 9 से और 10 के बीच की सारी संख्या है, परंतु आपको पता है 9 से और 10 के बीच में अनंत संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी। जब इस टाइप का है तो हम क्या करेंगे, अंतराल रूप में लिखेंगे, और जब इस टाइप का है कि एग्जैक्ट आपके पास में आंसर का पता है, इसमें कितने 4 है एग्जैक्ट आंसर, तो हम इस टाइप से लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है बेटा मेरी, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो अंतराल बताया था, ये अंतराल हमने क्यों पढ़ा था कि जब हमें एसएमई का सॉल्व करने के बाद में उसका आंसर लिखना होता है, तो आंसर लिखने के लिए हम अंतराल रूप का यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहला बताया था खुला अंतराल। खुले अंतराल में हम छोटे वाले ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, अंतिम जो संख्याएं हैं वो कभी भी चर राशि का मान नहीं होती। बंद अंतराल में अंतिम संख्याएं होती है वो चर राशि का मान होती है। बड़ा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ तक के लिए। और एक लास्ट था अर्ध खुला अर्ध बंद, इसमें क्या होता है एक तरफ से खुला हुआ अंतराल होता है, एक तरफ से बंद अंतराल होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, जब हम ये आंसर लिखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। आपने संख्या रेखा के बारे में सुना होगा बेटा, संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जिस पर हम सारी संख्याओं को दर्शाते हैं, माइनस अनंत से अनंत तक की संख्या। यहाँ पे 0, इधर की साइड की संख्या होंगी वो कौन सी होंगी, धनात्मक होंगी। इधर की साइड की संख्या होंगी वो कौन सी होंगी बेटा, ऋणात्मक होंगी। ये 0 है, 0 पे साइन नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अच्छा बेटा देखो, ये जो माइनस अनंत और प्लस अनंत जो है, यहाँ पर हमेशा क्या आता है बेटा, आपके पास में खुला अंतराल आएगा। ये बात आप हमेशा याद रखोगे, माइनस अनंत और प्लस अनंत पर हमेशा कौन सा अंतराल लेना है हमें, खुला अंतराल लेना है, ठीक है। तो क्या है, माइनस अनंत और प्लस अनंत दोनों पे हमें क्या करना है, खुला अंतराल लेना है। इसका मतलब क्या है, माइनस अनंत से अनंत तक की संख्या है जिसे हम वास्तविक संख्या है, रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या होता है बेटा, ये वास्तविक संख्या है और रियल नंबर, इस टाइप से दर्शाते हैं, माइनस अनंत से अनंत तक की संख्या। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा ये जो माइनस अनंत और ये जो प्लस अनंत लिखा है, ये क्या है बेटा, ओनली सिर्फ मेरे पास में एक संकेत है, एक सिंबल है, एक संकेत है, एक सिंबल है, जो ये दर्शाता है कि इस रेखा पर मैं जितने आगे तक जाऊंगा उतनी ही संख्या मुझे प्राप्त होंगी। मतलब मुझे ये आवाज़ करवाता है, ये रियलाइज करवाता है कि इसमें बहुत आगे तक संख्याएं होंगी। तो हम क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट उस संख्या का पता नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, माइनस अनंत और अनंत पर हमेशा क्या लगाते हैं, खुला अंतराल लगाते हैं। बात क्लियर है, आपको ध्यान रखना है माइनस अनंत से अनंत तक पे क्या रखना है बेटा, आपको खुला अंतराल। माइनस अनंत है तो भी खुला और बंद है तो खुला। जैसे देखो,
x बड़ा है माइनस दो से, इसका मीन्स क्या होगा, यहाँ पे माइनस अनंत हो गया, इधर प्लस अनंत हो गया, यहाँ पे माइनस दो है तो माइनस दो से बड़ी है, बड़ा मतलब इधर की साइड, यहाँ पे क्या आने वाला है खुला और इधर की साइड जाएगा, पहले माइनस दो फिर अनंत, अनंत पे खुला, यहाँ पे भी क्या आ रहा है खुला आ रहा है, जैसे x का मान माइनस थ्री से छोटा क्या होगा, माइनस अनंत प्लस अनंत, यहाँ पे माइनस थ्री, माइनस थ्री से छोटा मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया डार्क, और वो इधर की साइड, क्योंकि डार्क क्यों किया, यहाँ पे क्या आ रहा है इक्वल, आपको पता है माइनस अनंत पे तो हमेशा क्या रहेगा खुला, और उस पर क्या आएगा माइनस थ्री पे बंद, तो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, माइनस अनंत से माइनस थ्री, बात समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। आपके पास में माइनस अनंत हो या प्लस अनंत हो, हमेशा क्या लगाना है वहाँ पे, खुला अंतराल लगाना है, ठीक है। और देखो अगर x का मान एक बटे दो से बड़ा है तो यहाँ पे माइनस अनंत हो गया, ये हो गया बेटा प्लस अनंत, एक बटे दो, तो एक बटे दो से बड़ा मतलब इधर की साइड, तो x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, बंद अंतराल आएगा इस पर, बराबर आ रहा है एक बटे दो से बड़ा, ठीक है। अच्छा x का, x यहाँ पे x छोटा है माइनस एक बटे दो से, तो हम क्या करेंगे माइनस अनंत और यहाँ पे क्या होगा प्लस अनंत, क्या हो जाएगा एक बटे दो से छोटा, यहाँ पे क्या होगा x का मान माइनस अनंत से एक बटे दो माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा खुला अंतराल आएगा, बात समझ में आई मेरी, ठीक है बेटा। आपको ये क्या करना है अंतराल रूप में यूज करना है और हमें इस टाइप से इसके आंसर लिखने हैं समीका के, ठीक है बेटा। अच्छा हाँ बेटा देखो हम कुछ इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे आपके पास में है 4x प्लस 1y2 प्लस x इज ग्रेटर देन x xy2 प्लस 1, ठीक है बेटा। ये आपके पास में एक एसमीका है, इसे हमें सॉल्व करना है, तो इस एसमीका को हल करने के लिए हम पहले क्या करें, ये जो आपके पास में x x दिख रहे हैं इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे। तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, 4x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा, 4x प्लस x कितना हो गया आपके पास में 5x, ठीक है। 4x प्लस x कितना हो गया 5x प्लस 1 बटे 2, यहाँ पे क्या होगा x बटे 2 प्लस 1। अच्छा ये असमीका बन गई। अब देखो मैंने क्या कहा था, दो रूल बताए थे आपको, रूल नंबर वन असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी जा सकती है, समान संख्या घटाई जा सकती है, ठीक है। रूल नंबर टू, ठीक है, अगर हम असमीका को माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों तरफ x है, हमें x का मान निकालना है, दोनों तरफ x है, तो हम इसे सॉल्व करना उधर से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे x का भार, x का मान ज़्यादा आ रहा है, तो इधर 5x है, इधर आधा x है, x बटे दो, तो इसमें कौन सा बड़ा है बेटा, 5x बड़ा है, कौन सा है आधा जो आपके आवाज़ में आ रहा है, आधे x में से और 5x में से 5x बड़ा है, तो हम इधर से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से हल करना स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बटे दो को हटाएंगे, तो एक बटे दो हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस एक बटे दो करने पर, माइनस एक बटे दो करने पर क्या आ जाएगा, 5x प्लस एक बटे दो माइनस एक बटे दो, एक्स बटे दो प्लस एक माइनस एक बटे दो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5x बड़ा है, एक्स बटे दो प्लस एक बटे दो से। अभी देखो अभी हमारे पास में क्या है, 5x इधर आ रहा है एक्स बटे दो, हमें क्या करना है छोटा वाला, हमें इधर से हल कर रहे थे, हम इसी को लेके चलेंगे अब, तो ये हटाना है, तो हम क्या करें दोनों तरफ x माइनस टू, तो 5x माइनस एक्स वाई टू एक्स प्लस एक बटे दो माइनस एक्स वाई टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से कितना होगा 5x में से आधा x गया तो साढ़े चार एक्स, ठीक है, साढ़े चार एक्स मतलब 9x बटे दो बड़ा है एक बटे दो से, ठीक है बेटा। आपको ये हटाना है तो हम क्या करें दो बटे नौ से इसे गुणा कर देते हैं, तो दो बटे नौ से गुणा करने पर 9x बटे दो, दो बटे नौ, एक बटे दो, दो बटे नौ, दो से दो कैंसिल, नौ से नौ कैंसिल, दो से दो कैंसिल, x किससे बड़ा आ रहा है बेटा, x आ रहा है एक बटे नौ से बड़ा, किससे आ रहा है बेटा, x बड़ा है एक बटे नौ से। अब हमें इसका आंसर लिखना है, तो x का मान यहाँ पे एक बटे नौ होगा कहीं पे, इधर प्लस अनंत हो गया, इधर माइनस अनंत हो गया, इधर क्या हो गया प्लस अनंत, तो x का मान एक बटे नौ से बड़ा है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, खुला अंतराल, क्योंकि बराबर वाला चिन्ह नहीं है। तो x का मान यहाँ से यहाँ तक, 1/9 से अनंत तक। पहले हम 1/9 लिखेंगे, फिर लिखेंगे अनंत, अनंत पे हमेशा खुला अंतराल आता है, इस पे भी खुला आएगा। तो x का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 1/9 से अनंत तक। समझ में आया बेटा, x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 1/9 से अनंत तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, पहले से हल किया, अंत में इसका आंसर किस रूप में लिखा है बेटा, मैंने अंतराल रूप में। ठीक है, हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई टू प्लस एक्स प्लस वन वाई थ्री प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वन वाई टू। सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, हल करने के लिए क्या करें बेटा, इधर से इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, एलसीएम लेने पे यहाँ पे हो जाएगा बेटा एक्स थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन वाई सिक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वन वाई टू। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ इसका भी एलसीएम ले लो, प्लस सिक्स। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा थ्री एक्स टू एक्स, कितना हो जाएगा फाइव एक्स, तीन एक्स दो एक्स पाँच एक्स प्लस दो और छः आठ बटे छः बढ़ाए, किससे होगा बेटा ये, यहाँ पे हो जाएगा कितना तीन, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में दो एक्स प्लस एक बटे दो। आपको क्या करना है, छः हटाना है, तो दोनों तरफ हम क्या करें, छः से गुणा कर देते हैं। छः से गुणा करने पर क्या हो जाएगा बेटा ये, पाँच एक्स प्लस आठ, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा तीन दो एक्स प्लस एक, ये क्या हो जाएगा पाँच एक्स प्लस आठ बढ़ाए छः एक्स प्लस तीन से। अब देखो मैंने क्या किया, पहले तो लघुत्तम लिया दोनों साइड, लघुत्तम लेने के बाद में छः और दो में से छः हटाना था, मैंने दोनों साइड छः से गुणा कर दिया, ये तो छः कैंसिल हो गया, इधर छः से गुणा किया तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया तीन, यहाँ से पाँच एक्स प्लस आठ, इधर से तीन गुणा दो एक्स प्लस एक, ये तो एज इट इज, इससे गुणा किया छः एक्स प्लस तीन। अब यहाँ पे ऐसा ही क्या आई है, इनमें से x के मान देखने कौन सा बड़ा है, ये वाला x बड़ा है 6x, तो हम इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 3 को हटाना है, तो माइनस 3 करने पर क्या हो जाएगा, 5x प्लस आठ माइनस तीन, 6x प्लस तीन माइनस तीन, दोनों कैंसिल, 5x प्लस पाँच, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। अब हमें क्या करना है, 5x हटाना है, तो माइनस पाँच एक्स करने पर 5x प्लस पाँच माइनस पाँच एक्स, 6x माइनस पाँच एक्स, दोनों कैंसिल, ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया x। इसका मीन्स क्या है, x का मान 5 से छोटा है, मतलब ये क्या है, x छोटा है 5 से, तो संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, इधर माइनस अनंत इधर प्लस अनंत, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, सबसे पहले क्या आएगा बेटा 5, x का मान 5 या 5 से बड़ा, तो x का मान क्या होगा बेटा, 5 पे क्या आएगा बंद अंतराल, और अनंत पे हमेशा क्या आता है खुला अंतराल, तो x का मान क्या हो जाएगा 5 या 5 से बड़ा। बात क्लियर हुई बेटा मेरी, क्या होगा इसका आंसर, 5 या 5 से बड़ा। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, ये मैंने आपको बेसिक जो दो नियम बताए थे, उन दो बेसिक नियम के अनुसार बताए हैं, ये जो मैंने आपको आंसर बताए, ये जो क्वेश्चन बताए सॉल्व किए हमने असमीका के, आज हमने क्या पढ़ा है इसमें, असमीका के दो बेसिक नियम पढ़े हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमने ये असमीकाएं सॉल्व करी है, असमीकाएं होती क्या है उसके बारे में पढ़ा है, और असमीकाओं के आंसर किस रूप में लिखते हैं, अंतराल रूप, वो मैंने आपको समझाया। अगली क्लास में, ये तो आपका एकदम वो था बेसिक, अगली क्लास में अगर असमीकाओं को हम सॉल्व करने के लिए बेसिक नियम का उपयोग भी करेंगे, और उसके साथ साथ इनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, मतलब सिंपल सीधा सीधा कैसे सॉल्व करते हैं, वो बारे में हम बात करेंगे। ये जो मैंने आपका एलसीएम लेना है, ये करना है, ये सब कुछ नहीं, हम डायरेक्ट इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बेटा,